अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SQL से हम Oracle पे डाटा कैसे डालेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अटेंडेंस सॉफ्टवेयर SQL पे इंटीग्रेट करना। अब हम इसमें बताएंगे कि SQL से आप Oracle DB में कैसे डाटा देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम Oracle इंस्टॉल करेंगे। Oracle इंस्टॉल करने की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं Oracle। अच्छा जी, अब हम अपना ओपन करते हैं Oracle डेटाबेस। गो टू होम पेज। ये आ गया हमारा होम पेज। यूज़र नेम सिस्टम, पासवर्ड हमने डाल दिया है, लॉगिन। अच्छा, अब हमने सबसे पहले अब क्रिएट करना है डीबी नेम हम क्रिएट करेंगे SQL के थ्रू, SQL कमांड। इसकी क्यूरी मैंने अपने पास सेव करी हुई है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको पेस्ट। अच्छा जी, कह रहे क्रिएट टेबल इस नाम का, यानी कि पेगासस रॉ डेटा। ठीक है, इसमें टेबल नेम एम्प्लॉई नंबर है, ट्रांस डेटा, स्टेटस कोड, रीडर आईडी, स्टेटस आईडी, स्टेटस डीएससी, लोकेशन आईडी और लोकेशन नेम। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन। यह हमारा टेबल क्रिएटेड हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेक करने के लिए होम पे जाते हैं, ब्राउज ऑब्जेक्ट, ब्राउज टेबल्स। ये हमारा होगा पेगासस रॉ डाटा के नाम से, ये पेगासस रॉ डाटा, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है जी, अभी इसमें डाटा कोई भी नहीं है। अब हमने जो है SQL से Oracle पे डाटा डालना है। ठीक है जी, अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम SQL ओपन करते हैं। ये SQL है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये सॉफ्टवेयर से AASFF के नाम से DB नेम क्रिएट कर दी है। अब हम इसमें देखते हैं TMDT रिकॉर्ड्स, ये हमारे रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसमें जो है हम टेबल चेक करते हैं TMPT रिकॉर्ड्स में हमने डिज़ाइन पे आने के बाद हमने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर देना है इस प्रोसेस को। बिड इसका होगा 0, बाइंडिंग इसकी होगी 0 और हम इसको कर देंगे सेव। ठीक है जी, अब हमने कर दिया इसको क्लोज। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे इस प्रोसेस 0 आया कि नहीं। जी, इस प्रोसेस 0 आ गया है। ठीक है जी, अब हमने ओपन करना है जो हमारी एक्जी। ठीक है जी, हमारी एक्जी है TMP रिकॉर्ड से Oracle पर डालने की। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम इसकी कॉन्फ़िग फाइल देखेंगे और हम इस पर अपनी, यह हमारा है डेस्कटॉप का सर्वर नेम। कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, अतीत के नाम पे कंफर्मेशन। ठीक है, ये ओके है। पासवर्ड मैंने डाल दिया है और हम DB नेम डालेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ से डाटा जाएगा हमारे Oracle पे। Oracle का नेम हमारा लोकल होस्ट, मेरा लोकल होस्ट पे सिस्टम और उसका पासवर्ड डाल दिया। ठीक है जी, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। अब हम इसको सेव करके क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ कर दिया, अब हमारी यह है एक्जी, उसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा नीचे ओपन हो जाएगा चेक करने के लिए। जी, कर्सर कोडिंग कर लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारा डाटा का फोल्डर और लॉग का फोल्डर बन जाएगा। हम लॉग चेक करते हैं,
8:26 और नीचे भी 8:26। ठीक है, लॉग हमारा बन गया। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं। यह हमारा 1795 टू 1795 रिकॉर्ड स्टोर हो गया है। अब हम चेक करते हैं ओरेकल पे, जो कि मैंने आपको बताया था हमारा पेगासस रॉ डाटा है, टेबल ये है और डाटा उस वक्त था नहीं। अब हम डाटा चेक करते हैं, ये हमारा डाटा इसने पोल कर दिया है, जो कि अभी हमने जो कॉलम ऐड किया था वो इस प्रोसेस 0 था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, ये इस प्रोसेस 1 हुआ है, 1 हो गया। इस प्रोसेस 1 का मतलब है कि हमारा डाटा पोल होकर ओरेकल पे जा चुका है। तो ये हमारा इन एंड आउट सारा जो है डाटा ओरेकल पे जा चुका है। तो ये था तरीका एसक्यूएल से ओरेकल टेबल पे डालने का। ये देखें, हमारा सारा डाटा इस पर पोल हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमें बताएं कमेंट में। ओके।